सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में सोमवार की रात हुआ खूनी संघर्ष। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 23 आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्षेत्र में लगातार कर रही दबिश। पुलिस पीएससी व अर्धसैनिक बल ने फ्लैग मार्च निकालकर दिया संदेश। माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों को कड़ा संदेश। धारदार हथियारों से हमले और पथराव में 4 लोग हुए थे घायल। कार्रवाई का शिकंजा कसने पर अगली सुबह दोनों पक्ष गलबैया करते आए नजर। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में सोमवार की रात हुआ खूनी संघर्ष। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 23 आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्षेत्र में लगातार कर रही दबिश। पुलिस पीएससी व अर्धसैनिक बल ने फ्लैग मार्च निकालकर दिया संदेश। माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों को कड़ा संदेश। धारदार हथियारों से हमले और पथराव में 4 लोग हुए थे घायल। कार्रवाई का शिकंजा कसने पर अगली सुबह दोनों पक्ष गलबैया करते आए नजर। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में सोमवार की रात हुआ खूनी संघर्ष। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 23 आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्षेत्र में लगातार कर रही दबिश। पुलिस पीएससी व अर्धसैनिक बल ने फ्लैग मार्च निकालकर दिया संदेश। माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों को कड़ा संदेश। धारदार हथियारों से हमले और पथराव में 4 लोग हुए थे घायल। कार्रवाई का शिकंजा कसने पर अगली सुबह दोनों पक्ष गलबैया करते आए नजर।